नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब, और मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, क्या तूफ़ान टल गया? बिल आखिर हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं और मंसूर एजाज ने फाइनल ये कहा कि वह पाकिस्तान नहीं आ सकता। मंसूर एजाज के पाकिस्तान ना आने से शायद कुछ लोगों को तो राहत नसीब हो गई होगी, जबकि जो लोग उनमें शामिल थे, जो सियासतदान उनमें शामिल थे, जो इस मामले की तह तक पहुँचना चाहते थे, उनको काफ़ी हद तक मायूसी भी हुई होगी। नज़रीन, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2 मई को जहां एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के मामले का ड्रॉप सीन हुआ, वहीं हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान की जो तारीख थी उसका सबसे बड़ा मुतनाज़े और नाजुक मामले का आगाज़ हुआ। फिर थोड़ी सी आगे की बढ़ के बात करते हैं कि 10 अक्टूबर को फाइनेंशियल टाइम्स में एक मज़मून शाया हुआ, और जिस मज़मून जिसने शाया किया वो पाकिस्तानी और अमरीकी कसर नशीनों की ख्वाबगाहों में उसने हलचल मचा दी। मज़मून निगार पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन मंसूर एजाज थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंसूर एजाज को भी कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म दिया था, और ये बात है उस वक्त की जब मेमो गेट को बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ की जानिब से पेश किया गया। नज़रीन, 24 जनवरी को मंसूर एजाज ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, 26 जनवरी को पार्लियामेंट के कमीशन में पेश होना था, लेकिन आज जो मंसूर एजाज कहते हैं, बल्कि उनके वकील कहते हैं कि उनकी जो उनसे बात हुई है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्योंकि उनको जो रिजर्वेशन थी वो सिक्योरिटी के हवाले से थी, और उन्हीं को जवाब बना के उन्होंने इससे माजरत की है। लेकिन साथ साथ तमाम दरवाजे बंद नहीं किए, ये ऑप्शन उन्होंने ज़रूर दिया है कि एटलीस्ट अगर हमारा बयान रिकॉर्ड कराना ही है, यानी मंसूर एजाज का बयान रिकॉर्ड पे लेकर आना है, तो उसके लिए या तो इंग्लैंड आ लिया जाए या ज्यूरिख चला जाए। फिलहाल वो दुबई में मुकीम है। नाज़रीन, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, और लेकिन जो इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो भी हम आपको यकीनन आज बताएंगे, क्योंकि जो कुछ होता रहा, क्या वो वजूहात बनी कि मंसूर एजाज ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। सबसे पहले आज अकरम शेख का ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मीडिया टॉक भी, आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कहा क्या। सीम्स लाइक ए वेल ऑर्केस्ट्रेटेड ट्रैप टू होल्ड मंसूर एजाज इनडेफिनेटली इन पाकिस्तान आफ्टर हिज डेपोजिशन बिफोर द कमीशन। देयरफॉर Mansoor Ejaz has decided to make a request to the commission to record his statement in strict compliance with the order of the Honorable Supreme Court of Pakistan dated 30th of December 2011 in London or Zurich. Mansoor Ejaz ko is baat se bahut fikr hai ki Pakistan ka ek paisa bhi kharch na ho, इसलिए उसने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अखराजात में एक पैसे का इजाफा ना करे, और वो अपने खर्चे पर अपने दफ्तर में बैठकर या लंदन में दफ्तर में बैठकर वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। गोया सूरत हाल ये है कि मुसव्वर मंसूर एजाज पाकिस्तान में तो आ जाए, लेकिन यक तरफा टिकट लेकर, ना वापसी का शेड्यूल उसका तय है और ना वापसी कोई जमानत फराहम कर रहा है। नाज़रीन, ये वही मंसूर एजाज हैं जो ना अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, ना वो ये कहते हैं कि उनकी रॉयल्टीज पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के खर्चों पे जो खर्चा आ रहा है, जो सिक्योरिटी इंतजाम के लिए, उसकी उनको बहुत फिक्र है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान का खर्चा हो। अब वो कौन सी वजूहत पैदा हुई थी जिसके बायस उनको सिक्योरिटी खदशात हुए? आज से 2 दिन कबल रहमान मलिक इस हवाले से क्या कहते थे, आइए वो भी देख लेते हैं। किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकती इसलिए कि ISI इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी, इट्स नॉट ए सिक्योरिटी एजेंसी। जितनी पार्लियामेंट कमेटियां हैं, अगर किसी का नाम रिकमेंड करती हैं CLP में, हम डाल देते हैं। आपने देखा जब चौधरी निसार साहब ने, जब वो अकाउंट्स कमेटी के हेड थे, तो बहुत से लोगों ने CLP पे डलवाया और हमें डालना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका कानूनी हक है, अगर वो किसी को चाहते हैं कि ECL में डाला जाए, वो ए हो, बी हो, सी हो या आपका नाम हो, तो मुझे ECL पे डालना पड़ेगा। नाज़रीन, ये था वो बयान जिसमें कहा गया कि दबे दबे अल्फाजों में उनको धमकियां दे दी गई, और डेफिनेटली जब किसी को ये कहा जाए कि उस पर गद्दारी का मुकदमा भी हो सकता है, उसका नाम ECL लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है और दीगर और बहुत सी, तो उसने आने को मना ही करना था। लेकिन हमने ये भी देखा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी की यकीन दहाती कराते भी पाए गए थे, वो क्या कहते थे, आइए वो भी देखते हैं। सिक्योरिटी जो है वो अपने हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के या लॉ के पैरामीटर में ही देंगे ना जी, और ये उनको यकीन दहानी कराई है कि आयन और कानून और असूल जो रूल्स हैं हमारे,
उनके रोशनी में जो भी जिस किस्म की भी हमारे पास वसाइल अवेलेबल हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और उसको इसका यकीन किया जाएगा कि ये सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। गुज़श्ता 2-3 दिन के वाकयात से कुछ मेरे जहन में ख्याल सा आ रहा है कि शायद वो नहीं आना चाहते। नसीन, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके तहत इनको सिक्योरिटी फुल प्रूफ दी जाएगी, लेकिन उनकी नज़र में उनको ये भी लग रहा है कि 2-3 दिन जो वाकयात हुए हैं तो शायद मंसूर एजाज पाकिस्तान ना आए। अटॉर्नी जनरल कहते हैं इनको भरपूर सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म क्या कहते हैं एक दिन कबल, आइए वो भी देखें। अरबों रुपए लगाने पड़ेंगे उसकी सिक्योरिटी के ऊपर और उनके उसको एंटरटेन करने के लिए। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई वॉइस रॉय आ रहा हो किसी मुल्क का और हम महकूम कौम हों और उसके लिए हमें अपनी फौज भी मुहैया करनी पड़ रही है कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए जो कि आईन और कानून के मुताबिक ये कोई उनका उसको वो नहीं बनता कि उसको हम इस किस्म की प्रोटोकॉल दिया जाए। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म साफ अल्फाज में ये कहते हुए पाए गए कि आईन और कानून के हवाले से भी ये बात ही नहीं बनती कि उनको इस किस्म की सिक्योरिटी दी जाए, इस किस्म का प्रोटोकॉल दिया जाए। आखिर में एक और क्लिप हम आपको दिखाएंगे जो कि आज रहमान मलिक ने पार्लियामेंट के बाहर उसका दिया है, जब उनको ये पता चला और जब ये क्लिप्स तमाम टेलीविजन चैनल्स पे चल गए कि मंसूर एजाज ने आने से मना कर दिया है, उनकी कुछ सिक्योरिटी रिजर्वेशंस थी, उस पर रहमान मलिक साहब क्या फरमाते हैं वो दिखाते हैं आपको। मैं समझता हूँ उसने हमेशा झूठ का सहारा लिया, ये जो अभी अगर सच्चा था तो आता यार, अगर उसको 2-4 दिन रुकना भी पड़ गया तो क्या हो चला था। अगर इफ यू आर अ ब्रेव मैन फेस इट लाइक अ मैन नॉट लाइक जस्ट रनिंग अराउंड। तो बाकी मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। आई विल कंटिन्यू माय मिशन एनीबॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ एजाज मंसूर एनीबॉडी हु एवर वुड ट्राई टू इन्फ्लिक्ट माय कंट्री आई एम द फर्स्ट मैन टू कम फॉरवर्ड टू टेक एक्शन। और नाज़रीन, ये वही रहमान मलिक हैं जो ये कह रहे थे कि अगर मंसूर एजाज पाकिस्तान आते हैं तो उनका नाम ECL में भी डाला जा सकता है, और इससे कबल हुकूमती अरकान की जानिब से ये भी कहा जाता रहा कि मंसूर एजाज पर गद्दारी का मुकदमा भी हो सकता है, आईन में कोई तरमीम भी हो सकती है, Article 6 भी यूज़ हो सकता है। ये सब चीज़ें तो होती रहीं, लेकिन शायद हुकूमती हलकों में ये सब प्लानिंग बहुत अरसे से हो रही थी, ये सब चीज़ें बहुत पहले से डिसाइड कर ली थी। आज से तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन कबल जब हमने चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, जब उस इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि क्या मंसूर एजाज पाकिस्तान आएंगे, याद रहे कि ये वही चौधरी शुजात हुसैन है जो हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी हैं, उन्होंने उस वक्त क्या इंकशाफ किया था ये देखते हैं। पाकिस्तान आएंगे, अदालतों को फेस करेंगे, अदालतों में अपने बयान देंगे आके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान आएंगे। वो पाकिस्तान अगर आगे बयान देते हैं फिर बयान में उनको वहाँ पर सवाल भी तो किए जाएंगे, फिर अगर कटहरे में अगर आगे बयान देना किसी ने तो उनके ऊपर फिर सवाल भी तो किए जाएंगे ना, बयान पर उससे बचने के लिए वो कोशिश करेंगे कि ना ही आए। नाज़रीन, ये थी तमाम तर तफसीलात। जब इस तरह से थ्रेट किया जाएगा तो डेफिनेटली वो शख्स जो हमेशा कहता रहा कि पाकिस्तान आने से उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आज हमारे मुल्क के ताकतवर सियासतदानों ने उनका पाकिस्तान में आना बहरहाल रोक दिया। अब सूरत हाल क्या बनेगी अगर वो पाकिस्तान नहीं आते, किसी और जगह पर मुल्क से बाहर किसी और जगह पर अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी? वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर वो जो कि ऑप्शन दिए गए हैं अगर उस तरह से बयान रिकॉर्ड कराते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी? और अब क्या ये चैप्टर क्लोज होता दिखाई दे रहा है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। लॉ एक्सपर्ट हैं एडवोकेट फरोख नसीम साहब, इस टेलीफोन बैरिस्टर फरोख नसीम साहब टेलीफोन लाइन पर उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फरोख नसीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फरोख नसीम साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये जो इतना बड़ा स्कैंडल और 3 महीने से तमाम मीडिया पे छाया हुआ था, तमाम सियासतदान इसकी हर जगह पे बात कर रहे थे, उसका क्या ड्रॉप सीन हो गया है या इसमें अभी कुछ जान बाकी है? देखिए, जहाँ तक के इसका ताल्लुक है कि ड्रॉप सीन हो गया या अभी जान बाकी है, ये इसका फैसला तो अदालत करेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे या ये लोकल कमीशन जो 3 जजेस पर बना है वो करेंगे, और वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये बयानात कलम बंद करने, एविडेंस रिकॉर्ड करने, क्या हमारी जो लोकल कमीशन है वो बाहर जाएगी या नहीं जाएगी। इसके जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं वो ये हैं कि एक तो कॉस्ट फैक्टर है, कॉस्ट फैक्टर की जहाँ तक बात है वो तो PMLN जो पिटिशनर है उन्होंने शायद ये कहा है कि कॉस्ट हम बेयर कर लेंगे। अगर वो बेयर भी कर ले तो फिर दूसरी बात ये होती है कि हर केस में फॉरेन कंट्रीज में कमीशन नहीं भेजी जाती,
और उसमें ये देखा जाता है कि क्या कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से जो एविडेंस है यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो सकती। यहाँ मंसूर एजाज ने पहले तो कहा जी मैं आऊंगा, फिर कहा नहीं आऊंगा, फिर कहा आऊंगा, फिर नहीं आऊंगा, फिर डेट्स डिफरेंट दी। उसमें ये देखना है कि क्या वाकई ही उस शख्स को यहाँ सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि मंसूर एजाज के बारे में अटॉर्नी जनरल ने तो ये कहा आज कि आज एक फौजी तैनात हो जाएगा, फिर आईजी पुलिस जो है इस्लामाबाद के और पुलिस कंटिजेंट भी उसके साथ होगा। अब वो अगर मंसूर एजाज ये कहे कि मुझे तो फौज के दो बटालियन चाहिए तो देट इज अनरीजनेबल। यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, सेनेटर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको जो सिक्योरिटी, ठीक है ठीक है। फरूख मसीह साहब मुझे ये बताएं कि अब अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनका जो भी बयान है उसको रिकॉर्ड किया जाता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी में क्या कोई फर्क आएगा? आर्टिकल 164 है कानून शहादत का, जो कि ये परमिट करता है अदालत को पाकिस्तान के कानून के हिसाब से कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके तहत एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है, ली जा सकती है। जैसे आपको याद था सजाद अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस थे उन पे जब स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उस जमाने में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी वीडियो देखा गया। तो इलेक्ट्रॉनिकली दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी ये परमिसेबल है। अच्छा ठीक है, मुझे इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि कहा ये जा रहा था कि मंसूर एजाज साहब ने भी कहा और उनके वकील ने भी कहा कि लो तो वो तो वॉलंटरीली पेश हो रहे थे, वो उनकी कोई बाउंडिंग्स नहीं है कि वो अदालत में हर सूरत पेश हों, उन्होंने ये जो अपनी ऑफर खुद से की थी तो कोई ऐसी बाउंडिंग्स तो नहीं थी ना उनके ऊपर, रजाकाराना तौर पे ही वो पेश हो रहे थे। जी बिल्कुल सही आपने कहा, कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है पाकिस्तान की अदालतों का ऑर्डर का ओवरसीज, यानी पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान की अदालतों के फैसले जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, तो नेचुरली वो कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फरूख नसीम साहब हमें थोड़े से लीगल जो इसके एंगल्स थे उससे हमें आगाह करने का। नाज़रीन, हम फरूख नसीम साहब से बात कर रहे थे, बैरिस्टर फरूख नसीम, और उनसे जानने की कोशिश यही कर रहे थे क्योंकि अब अगर ये ऑप्शन आ गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनका बयान कलमबंद कर लिया जाए तो उस पर वो तो शायद राजी हैं फिलहाल, अब तक तो एटलीस्ट राजी हैं, लेकिन आगे वो इस पर भी अगर मजीद किसी टालम टोल से काम ले लेते हैं या दोबारा वो इस पर कोई सिक्योरिटी रीज़न या दीगर कोई भी वो थ्रेट्स का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं वो काफ़ी पेचीदा मामलात हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी हैं, क्योंकि ये वही मंसूर एजाज हैं जो ये कहते थे कि दुनिया की कोई ताकत उनको पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि जी उनको धमकियाँ मिल रही हैं, फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहना शुरू किया कि जी मैं अपनी डेट जो है वो मैं अनाउंस नहीं करूँगा। ये कहा जाता रहा कि जी वो वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो हर सूरत पाकिस्तान आएंगे, लेकिन बिलाखिर कहा एक जगह पे ये भी जा रहा है कि कुछ हलकों की ये कोशिशें थीं कि वो पाकिस्तान ना आए। नाज़रीन, हम सियासतदानों के लिए बहुत आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने फौजी इदारों के लिए बात करें तो अब कुछ हलके ये बात भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी इदारे थे या जो हमारे फौजी इदारे थे, इवन वो ISI हो या हमारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इदारा हो, उनका जो असल हदफ था, जो असल टारगेट था वो हुसैन हक्कानी थे। हुसैन हक्कानी पहले दिन से ही उनकी नज़रों में खटकते थे और बिलआखिर जो उनका एक्चुअल अचीवमेंट था, जो एक्चुअल टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया और अब उनको इससे कोई ख़ास खर्च नहीं है, क्योंकि अकरम शेख जो कि मंसूर एजाज के वकील हैं वो भी ये कह रहे थे कि उन्होंने एक खत भी लिखा सिक्योरिटी के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। सूरत हाल अब यही थी कि जब बयान हल्फी जमा कराया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जब बयान दिए गए थे जिस पर वज़ीर आज़म ने गैर आइनी भी उनको कहा था, उस वक्त तमाम तर कोशिशें यही थी कि इसी तरह से मंसूर एजाज के पाकिस्तान आ जाए, लेकिन आज जब बात हुई मंसूर एजाज के पाकिस्तान आने पर और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से तो एक खामोशी। यहीं पढ़ेंगे मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपने पैनल की जाने बढ़ेंगे, पैनल से हम गुफ्तगू करेंगे, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं रोहिल असगर साहब, वो भी हमारे साथ होंगे, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत शौकत बसरा साहब हमारे पैनल में शामिल होंगे, दीगर एनालिस्ट भी होंगे, हमारे साथ रहिए।